हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में शोकोद्गार रखा गया। शोकोद्गार खत्म होते ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सीट से उठे व उनके विधायक सतपाल रायजादा को शराब माफिया से जोड़ने का मामला उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि विपक्ष की तरफ से नियम 67 स्थगन साफ दिया है, उस पर विचार कर निर्माण किया जाएगा। जनहित का मामला होता विपक्ष वाले जो भी कहते हैं हम उनको सुनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मामला तो हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उस बात को लेकर के कतई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो जितना शोर डालें, चाहे अंदर डालें, चाहे बाहर डालें, जो मर्जी करें, लेकिन निश्चित रूप से हमने कहा है ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये माफिया राज को उखाड़ करके फेंकेंगे और इसमें जो भी आएगा उस सारी चीज को लेकर के कोई भी जो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये इनकी बेचैनी ये है कि लोकसभा का चुनाव हुआ है, सबके सब जो है बुरी तरह से जो है परास्त हो गए हैं, ऐसे में कुछ दिखाना है, कुछ करना है तो यही किया जाए। और किसके किसके बारे में बोलना है, क्या बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है, किस चीज के विपक्ष में बोलना है, ये सारा विषय ही नहीं रह गया शोर डालने के लिए कि हम हैं, अभी हम हैं, बस इस बात को जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। वैसे जहां तक आज का दिन का जो पूरा दिन का जो ये रहा, बारिश कम हुई है, सड़कें जो अवरुद्ध हुई थी, रुकी थी सड़कें, उनको रिस्टोर करने में काफ़ी हद तक हम सफल हो गए हैं। मैं अभी पूरी रिपोर्ट लूँगा शाम को अभी, और उसके लिए हमने तुरंत जो है 10 करोड़ रुपए जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, 4 करोड़ रुपए आईपीएच की जो हमारी स्कीम जो डैमेज हुई है उनको रिस्टोर करने के लिए, और 1 करोड़ रुपए हमने जो बिजली की सप्लाई कुछ जगह जो प्रभावित हुई है उसको रिस्टोर करने के लिए हमने जारी कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में हम केंद्र से भी आग्रह कर रहे हैं इस बात को लिए कि हिमाचल में नुकसान ज़्यादा हुआ, हमको मदद ज़्यादा किया जाए, लेकिन फिर भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, नॉर्मल वर्किंग में आ जाए, उसके लिए जो है जितना भी जो करने की आवश्यकता है पीडब्ल्यूडी आईपीएच प्रमुख रूप से, एक पीडब्ल्यूडी विभाग को और एक आईपीएच विभाग को और एक हमारा बिजली विभाग को, और उसके साथ साथ में हमारे कम्युनिकेशन के जो हमारे, चाहे वो BSNL है, चाहे वो एयरटेल है, क्योंकि वो भी प्रभावित हुए, इन 4 को हमने प्राथमिकता के आधार पर रिस्टोर करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि सड़कों को हम 4 और 5 दिन के अंदर जो है पूरा जो है वो बहाल कर देंगे, चलने के लायक कर देंगे। अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़ा है लगभग 575 करोड़ के लगभग 575 करोड़ के लगभग जो है नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ, ये एक बहुत प्रीलिमिनरी जिसको असेसमेंट जिसको बोल सकते हैं वो है, लेकिन असली मायने में अभी इसका असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम थोड़े दिन बाद करेंगे। मैं तुरंत जो है बात करूंगा, मैं 1-8 दिन में बात करूंगा, केंद्र को लिखूंगा भी, और हिमाचल प्रदेश में जो बारिश के कारण नुकसान हुआ है इसमें केंद्र और हमको मदद करें। थैंक यू। अंदर जो है वो आंकड़ा अभी तक हमारे पास जो है 25 आंकड़ा आज शाम तक होगी जो 3 दिन के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो कुछ एक्सीडेंट में भी कुछ डेथ हुई है, उसके साथ साथ में जो तो पिछले बरसात के दौरान जो है कुछ और भी डेथ हुई है, वो आंकड़ा अलग से है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में डैमेज कितना हुआ है उसके हिसाब से होता है इसका। थैंक यू। और सतपाल रायजादा की काफी हंगामा हुआ, देखिए एक बात को लेकर बड़ा स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि सारा ये जो एक्शन हुआ है, जो कार्यवाही हुई है, ये माफिया के खिलाफ हुआ है। विधायक कहां से बीच में आ गए, कैसे आ गए, वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन सही मायने में पुलिस की गश्त लगी थी और वो गश्त जो है वहां पर गाड़ियों को चेक कर रही थी, गाड़ी पकड़ी गई, उसमें शराब की पेटियां पकड़ी गई, और शराब की पेटियां पकड़ने के बाद वहां पर 3 गाड़ियां और आ जाती हैं, और वो गाड़ियों में आए वो लोग वो जो है पुलिस की पार्टी के ऊपर हमला कर देते हैं, और हमला करने के साथ साथ पुलिस वालों को पूछते हैं कि तुम कौन हो। पुलिस वालों ने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया कि हम पुलिस विभाग से है, स्पेशल टीम के तहत यहाँ पर जो हम यहाँ जो है इसमें गश्त के लिए आए हुए हैं, और उसके बाद विधायक का PSO हत्थापाई कर दे, लात घूसे मारना शुरू कर दे और गाड़ियों को ले जाने की कोशिश वहां से करें, और ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही किसके खिलाफ होनी चाहिए? कार्यवाही
उनको तो मालूम ही नहीं था कि विधायक की गाड़ी है, जिस गाड़ी में वो पीएसओ आए, जिस गाड़ी में वो बाकी उनकी टीम के लोग आए। जब ये सारी बातें इस प्रकार से एक एक चीज वीडियोग्राफिंग के तहत जो है वो रिकॉर्डेड भी है, एक एक चीज जो है वहां पर रिकॉर्डेड जो है वहां पर सारे जब कार्यवाही की है वो सारी चीज को लेकर के वहां पर जानकारी दी। ऐसी परिस्थिति में आज मुझे सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक माफिया इतना मजबूत हो सकता है, और वो मजबूत माफिया जो है ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देता है, पूरा विपक्ष उसके संरक्षण के लिए खड़ा हो जाता है। विधायक के खिलाफ हम बोल ही दे रहे हैं, विधायक की गाड़ी पकड़ी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और पीएसओ पकड़ा गया है, ड्राइवर उसका पकड़ा गया है, इस बारे में तो विधायक को स्पष्टीकरण देना होगा। और मुझे लगता है कि विधायक को उचित है कि उनको इन सारी चीजों से अपने आप को अलग करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कतई भी किसी भी विधायक के खिलाफ कार्यवाही का इस प्रकार का ना कोई एजेंडा था ना कोई एजेंडा है, लेकिन इस प्रकार से अपने आप को जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार के हालात पैदा करेंगे जिसका संदेश जो है पूरे प्रदेश भर में ठीक नहीं जा रहा है। विधायकों के बारे में एक माफिया को पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, और पूरा कांग्रेस का विधायक दल उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए खड़ा हो जाता है। ये सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं अभी भी कांग्रेस के मित्रों को, क्योंकि वहां परिस्थिति ऐसी हो गई है, ना उनको गाइड करने वाला रह गया, ना किसी की सुनी जाती है, ना किसी की मानी जाती है, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं वहां पर। इसलिए जिस प्रकार से वो सारी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे भला उनका नहीं होने वाला है, और मैं यही कहना चाहता हूं वो विचार करें जो आज उनने किया है, ये प्रदेश की जनता जब देखेगी तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा। और उसके बाद आज सेशन शुरू हो रहा है, हम अपनी बात रखेंगे, जैसा रिस्पांस होगा उसी ढंग से बिहेव किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे हाथ कड़ी वाली बात है, इनके पीएसओ ने और ड्राइवर ने दो गाड़ियां और भी हमारे वहां पुलिस के नौजवानों को पीटा, और बोतलें तोड़ने का जब प्रयास किया वो नहीं संभल पा रहे थे, उस पोजीशन में आकर के, उस स्थिति में आकर के इनको हाथ कड़ी लगाने का, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा था, हाथ कड़ी लगानी पड़ी, नहीं तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया। थैंक यू जी, धन्यवाद। वो कहा कि जब उनकी गाड़ी में कुछ पकड़ा ही नहीं गया, जब कोर्ट इस चीज को मान रहा है और इस मामले में, तो ये किस प्रकार का आरोप है, क्या चीज पकड़ी गई ये बताइए। ऐसा न्यूज के लिए शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।